एक बार फिर नजर आई झनक अनिरुद्ध की बाहों में। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का वन ऑफ द पॉपुलर शो झनक के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि कैसे झनक नजर आई अनिरुद्ध की बाहों में। जी हाँ, आप सभी को बता दूं तो सभी घर वाले अनिरुद्ध और अर्शी की आशीर्वाद की रस्म के लिए तैयार होकर जा रहे होते। सभी घर वाले तैयार होकर गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं अपू दी झनक का। जहाँ पर अनिरुद्ध भी तैयार हो चुका होता है, वहीं अपू दी झनक से कहती हुई नजर आती है कि झनक तुम मेरे भाई अनि से शादी कर लो और प्लीज यहीं रह जाओ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। वहीं झनक अपू दी को कहती नजर आती, आप बार बार एक ही चीज कह के मुझे तंग मत कीजिए, मैं उनसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब वहीं अनिरुद्ध आ जाता है और कहता है झनक को कि तुम्हें अपू दी को तैयार करने को बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टाइम वेस्ट करोगी यहाँ। तुम्हें क्या लगता है इतना टाइम वेस्ट करोगी कि तो मेरी आशीर्वाद की रस्म नहीं होगी? वही जनक कहती, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? वही अनिरुद्ध कहता है, मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम कुछ भी कर लो मेरी रस्म होके ही रहेगी। वही जनक गुस्से में बोलती है कि अपू दी को ले जाइए, मुझे नहीं आना। जनक जा रही होती है, उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है अनिरुद्ध की बाहों में। जी हाँ, अनिरुद्ध की बाहों में फिर से उनका प्यारा मोमेंट देखने को मिल जाता है। जनक और अनिरुद्ध का ये क्यूट मोमेंट फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दूं तो कि जैसे तैसे जनक पहुंच जाती है अनिरुद्ध और अर्शी की आशीर्वाद की रस्म में, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं जनक को डांस के लिए भी बोला जाता है, जहाँ पर जनक डांस करती हुई भी नजर आती है। वो अपने गम में डांस कर रही होती है, उसके पैरों में कांच भी धस जाता है, खून बहने लगता है, फिर भी जनक का डांस नहीं रुकता। वो कंटिन्यू करती ही रहती है, गुस्से में कहें या प्यार में कहें, उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, इस वजह से वो कर रही है। जिसके बाद उसके पैरों में कांच धंसने के बाद खून बहने लगता है, ये चीजें अनिरुद्ध देख लेता है, फिर भी वो कुछ नहीं करता। इसके बाद झनक लड़खड़ा कर गिरने लगती है। वहीं अनिरुद्ध सब छोड़ छाड़ कर फिर झनक के पास नजर आता है। झनक फिर अनिरुद्ध के बाहों में नजर आती है। ये सारी चीजें देखकर अर्शी और अर्शी के घर वाले बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं। कल देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है झनक और अनिरुद्ध के बीच की नोक झोंक। कल आप सभी का क्या कहना है ये पूरी अपडेट पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ड्रीम टीम को सब्सक्राइब जरूर कर दें।